नमस्कार युवा साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैंने 3-4 वीडियो बना दिए हैं, ऑलरेडी बना दिए हैं, फिर भी डॉक्यूमेंट्स के लिए बात करें कि दस्तावेज हम पहले से ही क्या क्या तैयार करवा ले हैं और ये भर्ती कब आएगी, दो बात तो ये, और तीसरी बात जो थंबनेल पर आपको दिख रही है, अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाए, इन तीनों चीजों पर मैं परिचर्चा करूंगा। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो मैं पूरे बताऊंगा। इसके अलावा जो बातें, देखो भर्ती कब आएगी, अनुभव प्रमाण पत्र कहां बनेगा कि कहां से बनवाएं, और कार्य क्या क्या करना पड़ेगा अगर हम नौकरी लग गए तो कार्य क्या क्या करना पड़ेगा, इन सब पर बहुत परिचर्चा करेंगे, बहुत अच्छी परिचर्चा करेंगे। लंबा वीडियो करूंगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो करूंगा, मगर शानदार। वीडियो को अंत तक देखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, आपको भी लाभ होगा और समय समय पर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। इससे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना व्यू कमेंट्स करके जरूर जाएं, चाहे पॉजिटिव करें चाहे नेगेटिव करें, क्योंकि नेगेटिव करने वाले भी होंगे, पॉजिटिव करने वाले भी, कमेंट्स करके बताएं मुझे कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा देखो, हर वीडियो बनाते तो व्यूज है ना लाखों में जाते हैं, मगर इसके बाद भी सब्सक्राइबर कम है, तो ऐसे लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरा उनसे भी निवेदन है कि क्या पता ये वीडियो आपको कहां काम में आ जाए, तो सब्सक्राइब करके रखे, जैसे ही भर्ती आएगी उस भर्ती के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको देता रहूंगा। इसके अलावा भर्ती ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, लॉटरी सिस्टम होगा, क्या होगा, इन पर सर्व पर परिचर्चा करेंगे, और अगर एग्जाम होगा तो ये चैनल आपको सबसे ज्यादा फ्री में फायदा उपलब्ध करवाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब सीधे बात करते हैं अपनी इस पर, राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2023 की परिचर्चा कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्सों की बात करेंगे। सबसे पहले बिना किसी रोके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो देखो डॉक्यूमेंट्सों के बारे में ये चीजें तो कॉमन है, ये चीजें जो आपको दिख रही है बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। क्या डॉक्यूमेंट, क्या आधार कार्ड आपका बेटा, सबसे पहले आपको सबको पता है आधार कार्ड पूरा अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, किसी के आधार कार्ड में पिताजी का नाम, माताजी का नाम या मीनिंग इनिंग की मिस्टेक हो पहले ही ठीक करवा ले, यानी आधार कार्ड को जिन्होंने अपडेट नहीं करवाया है पूर्णतः अपडेट करवा ले। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट है 8वीं की मार्कशीट। अब देखो मेरे पास कुछ मैसेज है कि 8वीं की साहब मार्कशीट तो है पर जन्मतिथि नहीं है, 8वीं की मार्कशीट तो है हमारे पास पर उस मार्कशीट में जन्मतिथि नहीं है, तो उसके लिए आपने आगे पढ़ाई की तो 10th की मार्कशीट आपकी यहां पर काम में दे जाएगी। कौन सी मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट आपके पास है तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए यह कॉपी है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। अगर आपने एड पास करके ही छोड़ रखी है, 8वीं की मार्कशीट है उसमें जन्मतिथि नहीं है, तो फिर आपका आधार कार्ड मान्य कर लिया जाएगा, आधार कार्ड या फिर जो ग्राम पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं ऐसा जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, वो भी मान्य कर लिया जाएगा जन्म तिथि के लिए। किसके जन्म तिथि के लिए पंजीकृत रजिस्टर्ड जो होता है जन्म प्रमाण पत्र वो बनवा ले, जो आजकल बच्चों का जन्म होता है वहां बनवाते, तो आप अपना अगर 8वीं पास है आपका नहीं है तो वहां से बनवा लीजिए, नहीं तो 10वीं की मार्कशीट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह आधार कार्ड है ही है। पासपोर्ट साइज की फोटोएं अभी खिंचवा के रख ले अच्छे से कम है ना 8 फोटो अपने पास रखिएगा, कितनी फोटो, 8 फोटो पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे वाली, तो आपको यहां काम देगा। वैसे तो देखो फोटो तो जैसी होगी वैसी आएगी, सीधी सी बात है, मगर ये फोटो रख ले। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आप कह रहे हैं साहब जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र बना रहे, भाई जनरल का बनता कब है, हजारों कमेंट्स ऐसे आ गए कि साहब जनरल वाले जाति प्रमाण जाने पर बनेगा ही नहीं, जिनका बनता है जैसे ओबीसी का बनता है, एसटी का बनता है, एससी का बनता है, उनका एससी एसटी का 4-5 साल पुराना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओबीसी वालों का 1 से 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूं अपडेट करवा लो, अपडेट करवा लो। मूल निवास प्रमाण पत्र सबका होना चाहिए, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, किसी भी वर्ग का है, हर वर्ग को मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आपको 2 साल का बना लो तो बहुत अच्छी बात है, कितने साल का, 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बना लो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर 2 साल का नहीं बनता है, नहीं बना पा रहे हो, तो 1 साल का तो आपके पास होना ही होना चाहिए, 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स और क्या चाहिए, देखो इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स क्या है, उम्मीदवार का जन्म प्रमाण पत्र, मैंने अभी परिचर्चा की है कि आपका उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार होगा उसका जन्म प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, तो जन्म प्रमाण पत्र पर 10वीं की मार्कशीट काम में दे देगी,
या फिर आपका आधार कार्ड काम में दे देगा, या आप पंचायत से बनता है वो बना है। आधार कार्ड का बिल्कुल अपडेट चाहिए अपने पहले पर, एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए है, एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए अधिकारियों के द्वारा प्रवर्तित। यानी क्या है, जैसे ग्राम पंचायत से बनवा रहे हैं तो ग्राम पंचायत से आप बना रहे हो तो वहां के ग्राम विकास अधिकारी, किसका अधिकारी का मतलब ग्राम विकास अधिकारी रजिस्ट्रेट करे, बीडीओ रजिस्ट्रेट करे, तहसीलदार रजिस्ट्रेट करे, किसी ठेकेदार से बनवाए हैं तो वो ठेका किस कंपनी के अधीन है उससे रजिस्ट्रेट हो। आप कहीं से भी बनवा सकते हो, किसी कंपनी में है रजिस्टर्ड कंपनी है, अर्ध सरकारी कंपनी है, कोई ठेकेदार है जो सरकारी ठेकेदार है, किसी विद्यालय में है, प्राइवेट स्कूल में बनवाते तो स्कूल के प्रिंसिपल के साइन, स्कूल के प्रिंसिपल के साइन, स्कूल की मोर प्लस ग्राम पंचायत की मोर की ग्राम पंचायत के अनुशासन में वहां पर आपने सफाई कार्य कर, ऐसा कुछ चीजें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखे। किसी होटल से बनवा सकते हो, होटल में आपने सफाई कर्मचारी, होटल रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, वहां से होटल से करवा लीजिए, उस परिक्षेत्र से किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिसर से तहसील लाते हैं वहां से अटेस्टेड उसको करवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, आपको एक शपथ प्रमाण पत्र बनता है। शपथ प्रमाण पत्र का मतलब जो मैं फॉर्म भर रहा हूं या जो मैंने जानकारी दी है वो पूर्णतः सत्य है, ऐसा एक जन्म वो प्रमाण पत्र है। आप टेलीग्राम, एक टेलीग्राम ग्रुप है BYSTUDY, ये कैपिटल लेटर में है कि गैप नहीं देना है, इस पर जाइए वहां पर ये सारे प्रमाण पत्र आपको मिल जाएंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होता है, शपथ प्रमाण पत्र कैसा होता है, पुराने प्रमाण पत्र जो वो सारे मैं वहां डाल दूंगा, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। 6 माह की अवधि का चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र बेटा अभी नहीं बनवाना है, जब आपकी भर्ती आ जाए, जब आपकी भर्ती आ जाए उस समय चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। कौन सा चरित्र प्रमाण पत्र, दो आप ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं, आप जिस विद्यालय से पढ़े हुए हैं वहां से बनवा सकते हैं, आप नगर पालिका से, चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, 6 माह की अवधि का होना चाहिए। और यह चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे आप बच्चे कहेंगे या सर मैंने तो 2002 में ही आठवीं पास करके छोड़ दी तो मुझे चरित्र प्रमाण पत्र कौन बना के देगा, तो बेटा आपने 2002 में की थी तो वहां से वो बना के देगा, 2002 का दे देंगे, जब पास आउट थे तब का ही तो चाहिए। या फिर ग्राम पंचायत से बनवा लीजिए, थाने से बनवा लीजिए, थाने का तो वेरिफिकेशन होगा वो अलग चीज है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर अब जब फॉर्म भरोगे ना तो उसमें स्थायित्व वाले मोबाइल नंबर डालना, जिस पर भी नोटिफिकेशन जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर, और प्लस आपका जो ऑथेंटिक मोबाइल नंबर होगा उस पर ही आपके पास ये क्या होगा मैसेज आएगा। तो मोबाइल नंबर भी आपके लिए यहां महत्वपूर्ण है, जब फॉर्म भरते हो और मोबाइल नंबर डालना है तो ऑथेंटिक मोबाइल नंबर डालना है क्यों, और चालू वाला डालना है। अगर आपका मोबाइल पे कोई मैसेज आया है और आप निकल गया, डेट निकल गई, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। पते से संबंधित जानकारी, आपका जो स्थान है जिसे आप क्या बनाओगे, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाओगे, तो स्थायित्व का पता होना चाहिए कि कोई लेटर रेटर है या कोई जानकारी संबंधित पूछताछ के लिए, जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन जो आपको पता डालेगा वहीं जाकर पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे कुछ लोग क्या है, जैसे दूसरे जिले के हैं, दूसरे नगर पालिका से, दूसरे जिले की नगर पालिका से भरेंगे, तो अपना स्थायित्व वाला जहां आप हमेशा रहे निजी निवास स्थान का ही पता आपको डालना। बैंक का विवरण, बैंक डिटेल होनी चाहिए, तो आपके पास बैंक में सबका खाता होना चाहिए। बैंक में खाता है तो SBI का खाता सबसे बेस्ट रहेगा, मैं कहूं सरकारी नौकरी है तो SBI का खाता सबसे बेस्ट रहेगा। SBI का नहीं है तो पंजाब नेशनल बैंक का भी ले सकते हो या कोई भी बैंक का चलेगा, मगर सबसे अच्छा SBI बैंक का है या पंजाब नेशनल बैंक का है, क्योंकि यहां से जल्दी से आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आप BPL हो, आप BPL हो तो BPL का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आप EWS में है तो EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप MBC में है तो MBC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी जो भी आपके प्रमाण पत्र है वो पूरे के पूरे होने चाहिए। अब जो आपके मेन डाउट है कि भर्ती कब आएगी, सबसे ज्यादा कमेंट से जो आ रहे हैं इस चीज के आ रहे हैं कि सर वीडियो तो आ रहे हैं आपके बराबर, मगर भर्ती कब आएगी और भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। कोई कह रहा है गुरुजी एग्जाम होगी, कोई कह रहा है लॉटरी सिस्टम होगा, कोई कह रहा है इंटरव्यू, सब सच कह रहा है बेटा। देखो भर्ती की बात करें तो आप सीधे सीधे 3 माह तो मान ही लीजिए, 3 माह का टाइम तो आपको लगे लगेगा। 3 माह का मतलब है ये कौन सा महीना चल रहा है, मार्च का, अप्रैल मई जून, जून लास्ट तक ये भर्ती आपकी आने की संभावना है, ये मान के चलो। वो भी संभावना है क्योंकि सरकार और भर्तियों में बिजी है, अभी रीट का एग्जाम लगा है, RS के जो प्री के फॉर्म निकाल दिए गए हैं या और PSI की भर्ती आ रही है तो उनमें लगी हुई है, तो आपके 3 से 3.5 माह में कन्फर्म भर्ती आ जाएगी। भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, अगर फॉर्मों की संख्या बहुत कम रहती है तो लॉटरी सिस्टम रहेगा, थोड़े पर सम ज्यादा बढ़ते हैं
थोड़े फॉर्म ज्यादा भरते हैं तो इंटरव्यू बेस भी किया जा सकता है, और फॉर्मों की संख्या लाखों में आ गई, एक एक नगर पालिका से लाख लाख दो दो लाख फॉर्म आ गए, तो फिर आपका आठवीं लेवल का एग्जाम भी करवाया जा सकता है, आपका एग्जाम भी करवाया, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, अब की बार संभावना यह है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, मगर जहां तक है संभावना ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं सबमिट करने हैं शपथ पत्र सहित। कुछ नेट वाले नहीं करते कि अभी डॉक्यूमेंट नहीं डाला, आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर इसमें एग्जाम होता है तो, अगर इसमें एग्जाम होता है तो मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको वो स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाएगा जो इसे वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर कोई जारी करता है, और सबसे पहले जारी उपलब्ध करवाएगा ऑथेंटिक, तो उस समय आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस मौके पर किताब भी नहीं आएगी, इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू की कुछ जो टिप्स होंगे वो भी हम इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर, बेल आइकन जरूर कर दबा ले कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। गुरु जी अनुभव प्रमाण का पत्र कहां बनेगा? बेटा ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने हजारों बार दे दिया है, फिर भी कमेंट्स यही कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद वीडियो में बताया कि अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाए, फिर बाद में भी कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा हूं सरकारी संस्थाओं से बनता है, सबसे ऑथेंटिक है, क्योंकि अगर भीड़ बहुत ज्यादा आती है, फॉर्मों की छटनी होगी, तो सरकारी जैसे विद्यालय है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, इनसे बनता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे किसी ने होटल से बना लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी ने प्राइवेट स्कूल से बना लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी ने किसी उद्योग संस्थान से बना लिया, किसी फैक्ट्री से बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी बनवा लो, ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आपने काम किया है तो वहां से बनवा लीजिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, ऑथेंटिक होना चाहिए, गपलेबाजी वाला सिस्टम है नहीं होना चाहिए। विधायक कुछ कह रहे हैं गुरुजी हमने बैंक में काम किया था, तो भाई बैंक में काम किया तो बैंक तो सरकारी संस्थान है, आप आराम से बनवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कोई कह रहा है सर हम तो आईसीआई बैंक में, यस बैंक में, उन बैंकों में, अरे तो भाई वो भी तो अर्ध सरकारी है, आपने सफाई कर्मचारी का काम किया है तो बिल्कुल बनवा लीजिए। कोई कह रहा है सर मैं एलआईसी के ऑफिस में काम किया है मैंने सफाई कर्मचारी का, मगर मैं तो प्राइवेट था, संविदा पर था, तो बेटा सरकारी कौन है, बनवा है तभी तो प्राइवेट है। किसी हॉस्पिटल में काम किया आपने तो अब हॉस्पिटल रजिस्टर्ड तो है ना, तो वहां से भी बनवा सकते हो, कोई भी रजिस्टर्ड संस्थान उसके अधीन बनवा सकते हो, और हो सके तो वहां के रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन उस पर ले लिए जाए, अगर नहीं साइन करता है रजिस्टर्ड ऑफिसर तो जहां आपने काम किया उससे बात करवा दीजिए, वो कर देगा कि हाँ हमारा काम किया था साहब, ये ऑथेंटिक बात है, इसकी जिम्मेदारी हमें लेते हैं। एक लेटर पेड पर जिस भी संस्था जैसे प्राइवेट स्कूल से है, जैसे किसी फैक्ट्री से है, किसी होटल से है, किसी और कोई अर्ध सरकारी संस्था से अगर लेते तो उसकी लेटर हेड पर भी ले ले और प्रमाण पत्र भी बनवा ले। क्या क्या कार्य करना पड़ेगा इस भर्ती, अगर नौकरी लग गई गुरु जी तो क्या काम करना पड़ेगा? अरे काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थंबनेल में सीधी सीधी बात है किसकी भर्ती है, सफाई कर्मचारी की भर्ती है। अरे किसकी भर्ती है, सफाई कर्मचारी की भर्ती है, तो बेटा सफाई करनी पड़ेगी। अरे सफाई कर्मचारी की भर्ती है तो क्या है, सफाई करना पड़ेगा। अभी एक कल परसों एक वायरल नोटिस हुआ है, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है कि जो पहले लगे हुए थे और आज वो आराम कर रहे थे, उनको काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं रिजाइन देना पड़ेगा या उनका अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि भर्ती ये बड़ी वर्तमान में सबसे पॉपुलर भर्तियों में से है। तो आई होप मैंने आपको सारी बातें बताई होगी जो आपकी कमियां थी, वैसे मैंने चार पांच वीडियो बना दिए इस पर, आराम से आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, फिर भी जो भी आपकी दोबारा से इंक्वायरी आई है मैंने सारे वीडियो बनाए हैं, सब चीजें आपको डिटेल से बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या पॉजिटिव रहा आपके लिए, क्या नेगेटिव रहा, इसका भी मैं आपका इंतजार करूंगा। चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इसे भर्ती में एग्जाम हो गया तो ये चैनल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा, जय हिंद जय भारत।